झियारी प्रेमरे झालामाला मौसा भूली गला संपर्क सरहद झियारी को नहीं चंपट मारा लंपट मौसा थाना रे अभियोग नहीं पहुंची मौसी स्वामी जी सुमन अधिकारी से कहते जे घरे दुकान गोटे लोक रखापी जो तुम किसी पार ना आपट से गोटे गल कष्ट आगे लोक रखी मुझे कहली लोक रखिले तो 5000 टका तले दे रही जी भी हम पुरुष हो महिला हो तो मत कह तो भौणी की कह तो भौणी आसी रही मो भौणी की कही मो मौसी झूक से कहला ना दे मुझे जापरि समस्या अच्छे जापरि तु आडजस्ट कर दी मो बड़ भौणी फोन करी मो बड़ भौणी कहला जे मो भाणीजी अच्छी भुवनेश्वर रोला गोटे मेडिकल ये कैंप रे से स्कैन फैन करें मोर कंप्यूटर कम जानी आगे नहीं पार तो मुझे से मुझे पचारे से कहला हाँ मुझे जी गोटे आंसर में कहली झू तु आसबू मो कहते रही पार पंद्रह कोड़े दिन खंडे कहला हाँ दे मुझे जी केन्द्रापड़ा जम्बू सामुद्रिक थाना अंतर्गत खीरीनाशी गाँव में देखा मिली अभावन घटना गाँव सुमन अधिकारी बहित होता बेले अधिक रोजगार आशा सुमन गाँव में एक जनसेवा केन्द्र खोली उभय स्वामी और स्त्री एथरु भल दुई पैसा रोजगार मध्य करुथिले ग्राहक सेवा केन्द्र रे सहयोग करबा को झुनु निज बड़ भौणीर झीव को आनी पाखरे रखिथिले एही समय रे झियारी सहित मौसांकर गढ़ी उठिथिला प्रेम संपर्क एक कलाकार नामा जना पड़ा पर दाम्पत्य जीवन में उठिथिला झड़ आसी 15 दिन रहिला परे से पर तांकर प्रेम संपर्क गढ़ी उठसी जेतेले गढ़ी उठसी मो जेतेले जानि परिजे मो झियो को किछ कहिनी मु कहली ताकू दूर को नै गले सब किछ ठीक हे जो आ झियोटार लाइफ अछि त काहे नष्ट करबी तापे सियोडा से प्रेम संपर्क अछि ना नाही मु त से भलो कि माने डाउट करू छी ना भलो कि जानिनी सेति पई मो झियो किछ कहिलिनी ताकू नै तां घरे छड़ दिए एस्तली दिने राति रे देखे जे मोबाइल रे से गेलो करछन्दि ଭିଡିଓ କଲିଂ ନା ମାନେ ଭିଡିଓ କଲିଂ ନା ଭଲ ସେ କୋଡିଂରେ କିସ୍ କରିକି ପଠଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ସକାଳେ ପଚାରିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଯାହା ହବ ମୁଁ ତମ ବାପ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇ ଦଉଛି ତମ ମତେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭୁଲ ମାଗିକି ରହିବ
ଶେଷରେ ଝିଆରୀକୁ ନିଜ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ମାଉସୀ, କିନ୍ତୁ ଫୋନରେ ଚାଲିଥିଲା ମଉସା ଝିଆରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଶେଷରେ ଝିଆରୀକୁ ଧରି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ରସିକିଆ ମଉସା। ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଝୁନୁ ଜମ୍ବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।